तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन x टू द पावर 2023 प्लस y टू द पावर 2023 प्लस z टू द पावर 2023 इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, हम देखिए इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 6, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 3 माइनस 6, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z। यहाँ देखिए ये माइनस 3 होगा, माइनस 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 3 को हमने प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख लिया है, ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस और ये हमारे पास हो जाएगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये तीनों टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है और इन तीनों का सम 0 के इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो एंड z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x टू द पावर 2023 प्लस y टू द पावर 2023 प्लस z टू द पावर 2023। x, y और z की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 टू द पावर 2023 प्लस 1 टू द पावर 2023 प्लस 1 टू द पावर 2023, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।